गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो न्यू रिकमेंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से है। तो ये जो जॉब है टोटल कुल मिलाकर दोनों पोस्ट है, मतलब दोनों पोस्ट है मगर वैकेंसीज ज़्यादा है। तो दोनों जो पोस्ट है वो देखिए यंग प्रोफेशनल के है और दूसरा है कंसल्टेंट। तो इस दोनों पोस्ट के लिए आप फ्रेशर्स हो तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बताऊँगा, तो कैसे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर क्या रहेगा तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स से जो रिकमेंड आया है, कुल मिलाकर 34 वैकेंसीज है। यहाँ पे देखिए यंग प्रोफेशनल के है और कंसल्टेंट के है, दोनों कुल मिलाकर 34 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा कौन सा पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है। यहाँ पे देखिए परमानेंट जॉब मिलने पर गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के 18 से 35 ईयर आपको एज लिमिट होना चाहिए, और कंसल्टेंट के लिए 18 से 50 ईयर्स आपको एज लिमिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सैलरी पैकेज डिस्कस किया गया नहीं है। तो आप सिलेक्शन होने के बाद ही आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दोनों जो पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल के लिए देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए वो भी इकोनॉमिक्स में, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको एमबीए करना होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलएम भी आप कर सकते हैं, कर चुके हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। और कंसल्टेंट के लिए आपको देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, और एमबीए फाइनेंस में आप क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 3 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट रहेगा 20 अप्रैल, उससे पहले आपको अप्लाई करना है, और इसको स्टार्टिंग हो चुका है 8 अप्रैल से, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सैलरी पैकेज भी दिया गया है 40,000 और 80,000 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको अलग से TADA मिलेगा और आधार अलाउंस भी मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स इन नोटिफिकेशन में आपको मिल चुका है, तो आप जरूर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। और एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिखा रहा है, तो इस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करना। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे सिलेक्ट आईडी, मतलब कोई भी आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आईडी नंबर दे दीजिए, आपका एड्रेस दे दीजिए, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह देख कर आप रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप पर्सनल एड्रेस भी रिसेंट ईमेल कर दीजिए, रिसेंट ईमेल में जाकर आप ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और कैप्चर भी करके सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद फिर से वही पेज में जाना है और जाकर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीड्योर पूरा जानना है आपको, तो मुझे ज़्यादातर कमेंट करके बताइए। ज़्यादातर कमेंट करेंगे तो मैं अब जरूर आपको वीडियो करके दिखाऊंगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो टेलीग्राम में जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लगे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में। बाय बाय।